अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहजाद मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पर देख रहे हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग न्यूज सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल ARY डिजिटल। मुझे ऐसा लगता है आदिल ने उस लड़की को कुछ दे दिला के फारिग कर दिया होगा, अभी तो इतनी आसानी से इतने आराम से वो बाहर चला गया। और ये भी मुमकिन है कि मामला इसके बिल्कुल बरक्स हो। क्या मतलब? मतलब ये कि आदिल उसे छुपने या जान छुड़ाने के लिए बाहर चला गया। अगर तू हमारी मदद नहीं करना चाहती तो ना कर, तुझे आने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं भी मरी नहीं जा रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। तो फिर ठीक है, जा, आजा कभी मत आना। ब्लैकमेल कर रही हूँ मुझको? बहुत पछताओगी। ब्लैकमेल नहीं कर रही, आदिल मुझे तलाक नहीं दे सकता, मैं माँ बनने वाली। मेरी भी ख्वाहिश यही है कि गुलजार का मेडिसिन में एडमिशन हो जाए, लेकिन इतनी महंगी पढ़ाई, सोच रहा हूँ ऑफिस से लोन ले लूँ। लोन वोन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। क्या मतलब? मैंने फैसला किया है कि अपने सेविंग सर्टिफिकेट्स देके और रकम निकलवा लेंगे। लेकिन माँ, तो आपकी जिंदगी भर की सेविंग है। तो क्या हुआ, किसी गलत काम में तो नहीं लगा रही हो ना? अपनी बेटी की पढ़ाई पे तो लगा रही हूँ। क्या बात है गुलजार, कोई बात करनी है मुझसे? जी, वो मुझे आपसे कहना था कि मैं मेडिकल नहीं पढ़ूंगी। ये क्या कह रही हो? मैं सोच रही थी कि कोई प्राइवेट डिग्री ले लूंगी या किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेती हूँ। मगर क्यों? कल तक तो तुम बहुत एक्साइटेड थी अपने मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के बारे में। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी मेडिकल की पढ़ाई, बहुत मुश्किल होगा। मैं सोच ही रही थी कि घर और पढ़ाई को कैसे मैनेज करूंगी। मैं जानता हूँ, असल बात कुछ और है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मैंने आपकी और आंटी की बातें सुन ली थी। अच्छा, तो ये बात है। मैं नहीं चाहती कि आंटी की जिंदगी भर की सेविंग्स मेरी पढ़ाई पे लग जाए। तुम जानती हो, माँ को तुम्हारी इन बातों का पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। वो तो
यही समझेंगे कि तुम उन्हें पराया समझते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं नहीं चाहती कि। देखो गुलजार, माँ की कोई बेटी नहीं, कि हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उनकी कोई बेटी हो जो डॉक्टर बने। मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम माँ की यह ख्वाहिश पूरी कर दो तो न सिर्फ मैं बल्कि माँ भी बहुत खुश होंगी। और रही पैसों की बात, तो कुछ ही अरसे में मैं कनाडा चला जाऊंगा, सारे पैसे चुका दूंगा। अच्छा चलो, अब मूड ठीक है, सब सही हो जाएगा। सब कुछ बुरा ही क्यों होता है? कोई भी अच्छा शख्स नहीं। माँ बाप हैं तो उन्होंने मुझे पैसे देने की मशीन समझ रखा है। शोहर है तो उसको अपनी औलाद के बारे में शक है कि वो उसकी औलाद है भी या नहीं। क्या नहीं सबकी फिक्र करने के लिए रह गई? मेरी खुशी, मेरा आराम, किसी को ख्याल नहीं है उसका? क्या यही सब कुछ लिखा था मेरे नसीब? नहीं, अगर ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा भी है तो मैं अपना नसीब बदल कर रहूंगी। इस तरह घुट घुट कर नहीं जीऊंगी। मैंने फैसला किया है कि अपने सेविंग सर्टिफिकेट्स देके और रकम निकलवा लेंगे। मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम माँ की यह ख्वाहिश पूरी कर दो तो न सिर्फ मैं बल्कि माँ भी बहुत खुश होंगी। कैसे लोग हैं और कितने खुश नसीब हूं मैं, इतने बेगर्ज, इतने चाहने वाले। ठीक है मेरे शौहर के पास पैसा नहीं, बड़ा घर नहीं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। नसीब वालों को इतना अच्छा ससुराल मिलता है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतना चाहने वाला और कदर करने वाला शौहर और इतना प्यार करने वाली सास मिली जो मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझती है। डैड, क्या सोचकर आपने मेरी गाड़ी चोरी करवाई है वहां से? कौन सी गाड़ी? वही जो आपने उठवाई है। चोरी करवाई है मेरी गाड़ी? तुम्हारा दिमाग तो सही है, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? मुझे क्या पड़ी तुम्हारी गाड़ी उठवाने की?
आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की हरकत करेंगे और मैं खामोश रहूंगा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप ही ने वो गाड़ी चोरी करवाई है। गुल मुझे सब कुछ बता चुकी है। गुल कौन है और ये किस गाड़ी की बात कर रहा है आदिल? Listen, Dad, आप पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत मैस क्रिएट कर चुके हैं, मजीद मत करें वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हारी जिंदगी में जो मैस है तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से है। अब बेहतर ये होगा कि इस मैस को तुम खुद ठीक करो और बात करने की तमीज सीखो। Now get out of here. अंकल से झगड़ा क्यों कर रहे थे? और ये गुल कौन है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे? तुम मेरी जासूसियां करती फिर रही हो, हर वक्त मेरी टो में लगी रहती हो। मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया है, इसमें इतना गुस्से में आने वाली कौन सी बात है? होती कौन है पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन करने वाली? बीवी हूं तुम्हारी, हक रखती हूं कि तुमसे किसी भी तरह की बात पूछ सकूं। प्लीज ये हुकूक अपने पास रखो, तुम ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। एंड जस्ट बी इन योर लिमिट्स, औकात में रहो तुम अपनी। मुझे मेरी औकात याद करवाने से पहले तुम अपनी औकात याद करो। तुम हो क्या? हाथ उठाया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम झूठ को समझते हो? मुझे थप्पड़ मारा? तमीज भूल गई हो? मैं शौहर हूं तुम्हारा। जितनी इज्जत शोहर की होती है उतनी ही इज्जत बीवी की होती है, और तुम्हारे ऐसे करतूत नहीं है कि तुम्हारी इज्जत की जाए। आदिल, तुमने सर पे हाथ क्यों रखा हुआ है? पूछे अपनी बहू से, मारा इसने मुझे। पहले इसने मुझ पे हाथ उठाया, ये होता कौन है मुझे मारने वाला? बेटा तुम किसको फोन कर रही हो? देखो इतना गुस्सा ना करो। आपका बेटा मुझे मारे और मैं बर्दाश्त करूं?
मामा, मामा हम भाई के साथ आ जाए। इस घटिया इंसान ने मुझे मारा है, मुझ पे हाथ उठाया है। देखो बेटा, हम लोग आपस में मिलजुल कर बैठ के बात कर लेंगे और मसले का हल ढूंढ लेंगे। कोई बात नहीं करनी मुझे आप लोगों से, अब मेरे घर वाले ही आकर बात करेंगे। मुझे भी बात नहीं करनी ना तुमसे ना तुम्हारे घर वालों से। किस किस्म के लोग हैं आप? घर की औरतों पे हाथ उठाया जाता है क्या? चुप करो तुम आदिल, हम बात कर रहे हैं ना। Don't touch me! ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उसे गुस्सा आ गया होगा। गुस्से में आने का मतलब ये नहीं है ये मुझे मारना शुरू कर दे। इसने खुद को समझा क्या है? देख लूंगी मैं इसे, इसने मुझे क्या समझा है। आप देख रही हैं आदिल के सर पे निशान? किस बुरी तरह आपकी बेटी ने मेरे बेटे को मारा है? शुरुआत किसने की थी? देखिए, ऊंच नीच तो होती रहती है हर घर में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि छोटी छोटी बातों पर बेटियां अपने घर वालों को बुला लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऊंच नीच हर घर में होती है, लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि मर्द अपनी बीवी पर हाथ उठाए। अगर आदिल ने हाथ उठाया भी है तो जरूर इसकी कोई ना कोई वजह होगी। ताली दो हाथों से बजती है। वजह कोई भी हो, हाथ उठाना किसी भी मसले का हल नहीं। हम तो आप लोगों को खानदानी लोग समझते थे। It is how you treat your women. शरीफ, तो हम भी आप लोगों को समझते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि आपकी घर की औरतें मर्दों से भी चार हाथ आगे हैं। बोला बेटा, मैंने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। फिर से बोल। ये क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे ना, इसने बंदूक निकाल ली है। क्या तमाशा हो रहा है? आदिल, तुम क्यों बोल रहे हो? हम बात कर रहे हैं ना, उठो उठो, हम बात कर रहे हैं, उठो उठो यहाँ से, हम बात कर रहे हैं। तुम्हें कुछ जरूरत नहीं कुछ बोलने की। ये सब क्या हो रहा है? अभी हम ले जा रहे हैं अपनी बहन को, आप अपने बेटे को समझा दें इंसानों की तरह रहना है या फिर मुझे उसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। मैं उससे बात करूंगा, आप लोग परेशान ना हो। बेहतर यही होगा कि आप उसे समझा लें। मेरी बहन इसी घर में रहेगी और खुश रहेगी। चलते हैं, हम कोशिश करें कि आपका बेटा जल्दी सुधर जाए, वरना मुझे अच्छी तरह आता है ऐसे लोगों को सुधार। आदिल, तुम अपनी हरकतें सीधी कर लो, वरना आगे जाके कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है।
तुम्हारी वजह से जो मुझे बातें सुनना पड़ी वो शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम्हें कुछ एहसास और शर्म बाकी है? ये सब बेचारे हो। कुछ तो खाइए। नहीं शुक्रिया। वो आपकी छोटी बेटी नजर नहीं आ रही। अब हाँ जी, वो दरअसल मुल्क से बाहर गई भी है ना। अच्छा, लेकिन आप फिक्र मत करें, शादी से पहले आ जाएगी। इसका मतलब है कि शादी के इंतज़ाम आपकी तरफ से बहुत अच्छे होंगे। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चाय तो पीजिए ना। मैं देती हूँ। लो बेटा। ये लीजिए। और वो नबील बेटा कैसा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप भी लो ना बैठ। जी जी मैं बैठती हूँ। आप भी चाय पीऊँ ना? जी 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 जी। वो अच्छा, वो बेटे से पूछ के बता दीजिएगा कि वो शेरवानी उसको कैसी चाहिए, वैसी बनवा देंगे हम। बिल्कुल, बनारसी शेरवानी पसंद है उसे। जी। अच्छा ये बताएं कि भाई साहब नहीं नज़र आ रहे, वो कहाँ हैं? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा काम था, अभी आ जाए। रट लगा कर रखी हुई थी आप लोगों ने। खानदानी लोग हैं, खानदानी लोग हैं, क्या ये करते हैं खानदानी लोग? अच्छा तुमने हरकत की, क्या वो हरकतें करते हैं खानदानी लोग? मोहम्मद, उसने मुझे गुस्सा दिलाया था, वरना मुझे क्या पड़ी थी उस पर हाथ उठाने की। अगर वो ये घर छोड़कर जाना चाहती है तो चली जाए। आदिल तुम अपनी हरकतें सीधी कर लो, वरना आगे जाके कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तुम्हारी वजह से जो मुझे बातें सुनना पड़ी वो शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम्हें कुछ एहसास और शर्म बाकी है? ये सब बेचारे हो। वाह, यानी आप लोग भी उसकी साइड ले रहे, क्योंकि वो खानदानी जो है उसका भाई एक नंबर का गुंडा। इस घर में अगर तुमको रहना है तो इंसान बनकर रहो, वरना वरना क्या डैड? वरना इस घर से चले जाओ। महजबीन अलबत्ता इसी घर में रहेगी, आगे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू, चला जाता हूं। बेटा रुको, आदिल आदिल रुको बेटा, ये क्या हरकत की आपने? अगर वो सचमुच चला गया और वापस ना आया तो क्या होगा? जब तक उसकी जेब में पैसे हैं वो घर वापस नहीं आएगा, और जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो भागा भागा चला आएगा। वालेकुम सलाम। ये चोट कैसी है, कैसे लगी ये चोट? वो
डैड से लड़ाई हो गई मेरी तुम्हें लेकर। तो बस मारा उन्होंने मुझे। लेकिन मुझे लेकर क्यों झगड़ा हुआ? बार बार कहते रहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर कुल मैंने भी उनसे कह दिया मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कोई भी माँ बाप इतने जालिम कैसे हो सकते? अपनी जवान औलाद को इतनी बेतरती से मार। मैंने उन लोगों से कह दिया है कुल कि मैं आप लोगों को तो छोड़ सकता हूं, लेकिन कुल को नहीं। तुम्हारी दूसरी बीवी उसको भी छोड़ा है उन्हें, तो कौन सा खुश था मैं उसके साथ? मैं तुम्हारे लिए दूध में हल्दी डालकर लाती, आराम मिलेगा। दस दफा जता कर गई है नरगिस की सास, क्या हम लोगों से बड़ी उम्मीदें बांध रखी हैं उन लोगों ने। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं ये सब बंदोबस्त कैसे करूंगा। अरे गुल भी ऐसी गई कि पलट के दोबारा आई नहीं। अगर वो ना आए किसी ससुराल वाले कोई रिश्ता ही ना तोड़ते, तो जाकर कोई राब्ता करो उससे, ढूंढो तो सही। अरे उससे बताओ ना कि अब हमारी इज्जत उसके और आदिल के हाथ में है। मैं गुल से बात करती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, आपकी दुआ साथ दी थी तो कैसे अच्छा ना होता। क्या आप अभी तक बाहर हैं? आंटी आप सुबह से हद करती हैं आप। मैं बाहर आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? कॉल्स पे कॉल्स क्यों जा रहा है? चक्कर क्या? अरे तो नई टेंशन खड़ी ली हुई है। चल कर ले, चल भाई। डॉक्टर सब कुछ ठीक तो है ना? फिलहाल तो सब कुछ सही है। आप इनके आराम का खास ख्याल रखिएगा। मैं कुछ मल्टीविटामिन्स लिख के दे रही हूँ, वो इनको खिलाते रहिएगा और खाने का खास ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि इनको कोई भी परेशानी और टेंशन नहीं हो प्लीज़। और चेकअप के लिए रेगुलर आते रहना है, ठीक है? जी डॉक्टर, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा और रेगुलरली चेकअप के लिए लेकर आता हूँ।
थैंक यू डॉक्टर। जी आइए ना, रस्म करते हैं। कैसी रस्म? अरे हमने तो समझा था कि बहुत ही धूमधाम से ये मेहंदी का फंक्शन होगा, मगर हमें क्या पता था कि आपने घर में ही इंतजाम कर लिया। वो दरअसल करना तो ऐसा ही था, लेकिन बस थोड़ी सी मजबूरी आ गई। लेकिन आप फिक्र ना करें, शादी वाले दिन जैसा आपने कहा वैसे ही करेंगे। क्यों, आपकी छोटी बेटी और दामाद ने आपकी कोई मदद नहीं की इंतजामात में? उन्होंने आना था, आपको बताया था ना कि वो बाहर के मुल्क के, तो वो आ नहीं सके, उनकी थोड़ी सी मजबूरी होगी। आप मेरी बात सुन लें, मेरे बेटे को ना बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, उसकी उम्मीदें ना पूरी करने की कोशिश करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता यहीं रह जाए। अरे ना ना, ऐसे अपने मुंह से ना कहें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सब हो जाएगा। बस आइए ना, रस्म करते हैं, आइए ना। अरे आइए ना, अरे आओ ना बेटा, बेटा आओ ना, चल। तुम परेशान मत होना, मैं सब कुछ देख लूंगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रख लूंगा।
वो सब तो ठीक है, मगर मगर क्या? तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? आगे के बारे में क्या? हमारे बारे में, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में। गुल, ठीक से बताओ, क्या कहना चाह रही हो? तुम्हें अपने माँ बाप से ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहिए, और माँ बाप से ताल्लुक कभी या फिर रिश्ता खत्म नहीं होता। मुझे लगता है तुम्हें अपना ताल्लुक बहाल कर लेना चाहिए। कितनी अच्छी हो तुम, तुम्हें उनका इतना ख्याल है और वो लोग हैं कि मुझे तुम्हें छोड़ने का कहते रहते हैं। माँ बाप से रिश्ता भला कब खत्म होता है? कभी भी नहीं। बेहतर यही है कि तुम उससे रब्ता कर लो। मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी वो लोग गुस्से में हैं और मैं भी, बात खराब ही हो जाएगी। Obviously, this is Maya Ali, और मैं क्या कर रही हूँ फ़ोन पे? मैं एक ऐप डाउनलोड कर रही हूँ, वो है AI डिजिटल की, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना होता है हमारी फिल्म के बारे में, क्या क्या बात हो रही है। सो जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस ऐप ऑन योर फोन। थैंक यू।